अगर आप भी भारत के उन 2 करोड़ लोगों में शामिल हैं जो HDFC क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए नुकसान भरी खबर है। HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। ये नियम 1 सितंबर 2024 से लागू होंगे। सबसे बड़े बदलावों की बात करें तो सबसे बड़ी कैंची बिजली, पानी, गैस जैसे यूटिलिटी बिल के पेमेंट्स पर पड़ी है। अब आपको हर महीने सिर्फ 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। बिजली, पानी, गैस के बिलों की तरह ही टेलीफोन और केबल के बिल पर भी हर महीने सिर्फ 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि पहले आपको हर ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे जिन्हें आप जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते थे। बता दें कि अगस्त महीने की शुरुआत में कस्टमर्स को तब झटका लगा था कि HDFC बैंक ने 1 अगस्त से क्रेडिट कार्ड से बिल भुगतान करने पर 1% फीस लगा दी थी। ये फीस उन लोगों के लिए थी जो 50,000 रुपए से ज्यादा का बिल क्रेडिट कार्ड से भरते हैं। बिजनेस क्रेडिट कार्ड पर यह फीस 75,000 रुपए से ज्यादा के बिल पर लगने वाली थी, लेकिन एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए ही लगेंगे। बैंक नहीं चाहता कि लोग अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड से बिजनेस के बड़े बड़े बिल भरें। हालांकि इस बदलाव का ज्यादा असर आम कस्टमर्स पर नहीं पड़ेगा। आमतौर पर बिजली, पानी और गैस के बिल 50,000 रुपए से बेहद कम आते हैं। इसके अलावा बैंक ने साफ किया है कि बीमा का भुगतान बिलों में शामिल नहीं है, इसलिए उस पर ये फीस नहीं लगेगी। अब यहाँ HDFC की भी सुन लेते हैं। बैंक ने फीस बढ़ाने का कारण भी बताया है। बैंक का कहना है कि ये सीमाएं इसलिए लगाई गई हैं ताकि सभी लोग क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करें। कुछ लोग अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड से बिजनेस के खर्च या दूसरे लोगों के बिल भरकर ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट कमा रहे थे, लेकिन इन नई सीमाओं के लगने से अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सभी लोग अपने कार्ड का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कुछ बदलाव और भी हुए हैं। 1 सितंबर 2024 से अगर आप क्रेडिट कार्ड से क्रेड या मोबीक्विक जैसे किसी ऐप के जरिए फीस भरते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप सीधे स्कूल कॉलेज की वेबसाइट या मशीन से भुगतान करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा 1 अगस्त 2024 से ऐसे ऐप्स के जरिए शिक्षा पर भुगतान करने पर 1% फीस लगनी शुरू हो गई है, लेकिन ये फीस एक बार में 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। अगर आप सीधे स्कूल कॉलेज को भुगतान करते हैं तो कोई फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा HDFC ने एप्पल प्रोडक्ट्स और तनिष्क के लिए भी रिवॉर्ड पॉइंट्स की सीमा लगाई है। HDFC बैंक के इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड वाले लोग अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स से एप्पल के कई प्रोडक्ट्स खरीद सकते थे, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से आप हर 3 महीने में सिर्फ 1 एप्पल प्रोडक्ट ही खरीद पाएंगे। इसी तरह इन्फिनिया कार्ड वाले लोग अपने रिवॉर्ड पॉइंट से तनिष्क के सामान भी खरीद सकते थे, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से आप हर 3 महीने में सिर्फ 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। सिर्फ HDFC बैंक ही नहीं, दूसरे बैंकों ने भी बदलाव किया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड में कुछ बदलाव किए हैं जो सितंबर 2024 से लागू होंगे। नए बदलावों के तहत अब आपको क्रेडिट कार्ड के बिल का कम से कम 2% ही देना होगा। इससे पहले ये 5% था। बिल आने के बाद आपको 15 दिन के अंदर बिल का पेमेंट करना होगा, जबकि पहले ये टाइम पीरियड 18 दिन था। IDFC के साथ ही ICICI बैंक ने कुछ डेबिट कार्ड पर एयरपोर्ट लाउंज कराने के नियम बदल दिए हैं। 1 अक्टूबर 2024 से आपको पिछले 3 महीनों में कम से कम 10,000 रुपए खर्च करने होंगे, तभी आप एयरपोर्ट लाउंज में मुफ्त जाने की सुविधा हासिल कर पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आप अक्टूबर से दिसंबर तक लाउंज जाना चाहते हैं तो आपको जुलाई से लेकर सितंबर में 10,000 रुपए खर्च करने होंगे। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए तुरंत फॉलो करें Money9 का यूट्यूब चैनल। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है Money9। आजादी पैसे की, अभी डाउनलोड करें।